اللهم صل على محمد. फिर भी एक मरतबा اللهم صل على محمد. फिर भी एक मरतबा सलावत. اللهم صل على محمد وعلى محمد. फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ी. अगे आ जाओ, अगे आ जाओ, बेहतर अगे आ जाओ जिन्हें आने. फिर भी एक मरतबा सलावत. पांचवी मरतबा बलंतर सलावत. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض ما شاء الله نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور. صلوات صلی علی محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. یہ جشن پاک جو منسوب و مخصوص ہے, میرے خیال جشن ہے نا, اس جشن کے حوالے سے میں نے پورے قرآن کی حساس ترین آیت تلاوت کی. گل سمجھ جائیے, قرآن سارا ہی علم الہی ہے, کلام الہی ہے. میرے بھائیو, جہاں اللہ کلام کر کے قرآن بنا ہے, خدا جانے پر سمجھنے کے لیے جسے نبی نہیں سمجھ سکتے ہیں, یہ قرآن ہے. میں شاہ جی اسی قرآن سے, صاحبان علم بیٹھے ہیں, صاحبان بصیرت موجود ہیں, میں چاہتا ہوں کہ قرآن سے میں آج نسل امامت کا اجرا دکھانا چاہتا ہوں. حیدر علی کوئی پتہ لگ جا بھائی کہ امام اس دنیا میں کیسے آتا ہے, اللہ امامت کی نسل کو کیسے آگے لے کے چلتا ہے, چلتا ہے نا. دیکھیں اس وقت, اور خوش ہو گئی, اس وقت ایک امام ہے جو عالمین کو چلا رہا ہے. اسے بھی توحید نے اپنے, ایک اللہ نے اپنے غائب ہونے کی دلیل بنا کر اسے لوگوں میں غائب کر دیا. کہا لوگوں یہ وجود میں غائب ہے, میں ذات میں غائب. کل سمجھ جائیے, میں قرآن سے ہی بیان کروں گا. قرآن, کوئی حدیث نہیں, کوئی روایت نہیں, جس کا ذکر خود قرآن کرے پھر مذکور کیسا ہوگا. جس کا ذاکر اللہ ہو, اللہ ذاکر ہو, مذکور کیسا ہوگا, اور وہ بھی قرآن بنا کے. اور ان کا ذکر اسی لیے اللہ نے خود کیا, جب تک قرآن رہے گا علی کا ذکر رہے گا. یہ تھوڑی گل. سورہ نور, جتنے تھی گھبرا جاؤ گے میں چھوڑ دیا گا, مشکل نہیں پڑھا گا, لیکن پڑھنا بھی ہے. یہ قرآن کی آیت پڑھیے نا, میں جب قرآن ہے تو پھر قرآن سمجھانا چاہیے یا نہیں, طبیعت ہے یا نہیں. ہم تھی سنی بیٹھے ہو قصیدے تے سر تو پتہ نہیں, اسی تو خوش لوگ ہیں, ان کے اللہ کرنے خوش کے.
से बेहतरीन तर तर कलाम कोई है नहीं है। है, 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 कैसी फसाहत बलागत का कुरान। मैं कुरान से मेरे भाइयों बहस करने लगा हूँ, एक एक लफ्ज की मैं बहस करूंगा, एक एक लफ्ज जबर जेर आपको बताऊंगा कि अल्लाह ने जबर क्यों लगाई है, खुदा जाने वो कौन जबरदस्त है जिसके लिए जबर लगाई है, है कौन वो जेर है जिनके लिए जेर लगाई है, समझ आई ना मेरे भाई। अभी देखे मैं बहस करूंगा, सूरह नूर 18वां पारा उनका सियाने, सूरह नूर लफ्ज नाम क्या रखा है सूरत का, नूर। जब अल्लाह ने इस सूरत का नाम नूर रखा, फिर अल्लाह ऐसा नूर नहीं है। किसका नाम रखा, सूरत का नाम नूर रखा, तो फिर मालूम हुआ इनको हम नूर कहेंगे जो सूरत वाला है। इसका नाम अल्लाह ने नूर रख के, तो आयत नंबर 35 नंबर आयत को मैंने तिलावत किया है। माशाल्लाह बाप की तवज्जो है, देखिए मैं शुरू करने लगा हूँ। इस आया करीमा ने ऐसी सलवात पढ़ाई जैसे लाए थे सलवातों को, आगे आना चाहता है तो आ जाए ताकि अच्छी तरह समझ आए। सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद और उसी बिस्मिल्लाह। इरशाद हो रहा है, अल्लाह हो नूर समावात वल अर्ज। इस आया करीमा को का अंदाज जरा देखें, इस आया करीमा का अंदाज इसमें अल्लाह से शुरू हो रहा है। कोई हुई हुई अल्लाह नाम अपना पहले ले रहा है, वो गल को समझ आएगी। इन बच्चों को आवाज़ें ना होने दें, बिल्कुल बच्चों को एक एक अलग कर, उनको बच्चों को भी रोक दो, इन्हें बच्चा ने रोक दो बेटा को, या उठा दो अम्मी अपनी बुला लो, ये थोड़ा जरा भी इधर उधर की गल हुई ना मेरी गल तो समझ लीजिए आने, फिर मौजा बैठे गिरा। हाँ मौजा गिराए बस ठीक, थोड़े बहुत अच्छी जगह है कि यहाँ करीब बहुत बड़ा मरकज है रायविंड में, लेकिन यहाँ पूरी दुनिया आती है, दुनिया अल्लाह करे दुनिया कुरान समझ जाए। हाय 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 हैदरी अली अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अपना नाम सबसे पहले अल्लाह हो कहा, इसकी एक रमज मैं बताता हूँ, लगता ऐसे है अल्लाह अल्लाह हो के कुछ ऐसों का जिक्र करना चाहता है, पहले अपना नाम लगा देता है मैं अल्लाह हूँ। समझ आ गई भी, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह हो अल्लाह है, इसी है का नाम अल्लाह है। वो तसव्वुर में नहीं आते, अल्लाह इल्म में नहीं आता, अल्लाह इदराक में नहीं आता, अल्लाह अक्ल में नहीं आता, अल्लाह हवास में नहीं आता, अल्लाह इशारों में नहीं आता, अल्लाह तसव्वुर में नहीं आता। एक अल्लाह सारा कायद से किसने बताई है, जो ये सारी बातें तरतीब से बताए उसे अली कहते हैं। गल करा निकली निकी जी गल कर दिया, जब अली जैसा अल्लाह को पहचान कराए ना, अल्लाह कह के पहचान कराए, फिर मान लो अली अल्लाह नहीं है। वो गल समझ जाइए, अल्लाह की पहचान कौन करा था, अली तो चंगी नहीं लगी सी, कोई डर नहीं, नहीं नहीं लगी, मैं नहीं डर जाना अली, देखे अल्लाह हो अल्लाह है, सुभान अल्लाह, इसी है का नाम तस्दीक है। अल्लाह को तस्दीक से मानना है, अब जिसने कहा अल्लाह है उसे अली कहते हैं, फिर मानो अल्लाह ही मुसद्दक तौहीद है, तौहीद की तस्दीक करने वाला अल्लाह है कि वो है। ये कह के एक जुमला आता है जनाब अली तौहीद बयान करते करते एक जुमला फरमाते हैं, लोगों अल्लाह लाखों जबरूती हिजाबों में छुपा हुआ,
गल चंगी नहीं लगी गल हाय 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 अल्लाह लाखों जबरूती आजा बिस्मिल्लाह लाखों जबरूती हिजाबों में अल्लाह लाखों जबरूती हिजाबों में एक कपड़े वाले हिजाब नहीं जबरूती हिजाब होए 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 खुदा जाने जो लाखों हिजाब गिन सके उसे अली कहते हैं। यही सवाल सवाल किया सवाल करके उसने कहा मौला लाखों जबरूती हिजाब है जिसमें तौहीद पोशीदा है। फरमा दिया हाँ हाँ लाखों हिजाब है मालूम होता है लाखों है हिजाब जिस हिजाब में तौहीद पोशीदा है उस पोशीदा हिजाबों का नाम है गैबुल गुयूब। गैबू का भी गैब ओए होए 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 गैबू का भी गैब मुश्किल है मैं पढ़नी मुश्किल है रायवेंट में पढ़नी मुश्किल है हैदरी अली फरमाता कि अल्लाह गैबुल गुयूब में महजूब है हिजाबों में है महजूब है मार भी छोड़ देती है महजूब है लाखों हिजाबों ये कह के अली फरमाते हैं वो लाखों हिजाबों में उसका महजूब गायब होना उसके अल्लाह होने की दलील है। हाय 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 अल्लाह ऐसा होना चाहिए खुदा गवाह है मेरे भाइयों बहुत बड़ा जुमला मेरा अली ने फरमाया जब वो ऐसे गैबू हिजाबों में महजूब है उसका गैब होना ही अल्लाह होना है। बेशक वो गैब रहे लेकिन उस पर ये वाजिब है कि अपना कोई असर जाहिर करे ताकि असर देखकर मुअसर पहचाना जाए। हाय 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 असर सामने हो मुअसर पोशीदा हो पूछा मौला वो असर कौन है फरमाया हम 14 असर हैं। हाय 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 हम असरे इलाही गल समझ जानी भी हैदरी देखा इन 14 को जाएगा माना अल्लाह जाएगा गल समझ जाइए माना कौन जाएगा अल्लाह फिर अल्लाह है कौन कहेगा अवलुद्दीन मारिफत मैं नहीं जुमला का नहीं पढ़ना चाहता अवलुद्दीन मारिफत अली फरमाता है दीन की इब्तिदा ही उसकी पहचान है जिसने उसको नहीं पहचाना वो दीनदार कहाँ है। अल्लाह हो अवलुद्दीन मारिफत लंबा हो जाए असर अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं असर है वो असर हम हैं असर मुअसर नहीं होता असर पहचान होता है मुअसर। हाय हाय ये धूप ये देखे धूप सूरज का असर है ये धूप लग रही है ये देखे धूप ये धूप सूरज नहीं सूरज धूप नहीं सूरज और है धूप और है ये धूप पहचान है अल्लाह की। अली फरमाते हम अल्लाह नहीं है अल्लाह की पहचान है हमारे जरिए तौहीद का पहचान होता हम ही पहचाने इलाही है फिर जब से अल्लाह है तब से 14 है इनके कलाम मुझे आता है फिर जब तक अल्लाह है तब तक 14 14 को मानो वे 14 को मानो हाय 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 14 को मानो 14 14 14 तो बेखबरो समझ आई हाँ हाँ क्यों ना कहें हम अल्लाह हो अल्लाह है बस यूं तवज्जो होगी अल्लाह है। एक अब्दुल करीम इब्ने अबिल औजा एक शख्स था दहरिया था दहरिया अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ा भी था ना सुनी वे कुछ ना अब्दुल्ला तो अल्लाह दमन के हाय हाय अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ा ये जोड़ी थी दोनों ये इतने इतने दहरिया थे दहरिया माने क्या होता बोला
जो अल्लाह को नहीं मानते, और न जाने कौन सा इल्म है इनको जो अल्लाह की दलील इन्हें नहीं आती। ये इमाम से जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उस दिन आके थोड़ी सी बात हुई, फिर ये घर चले गए। मेरे आले पास लिखा है, दूसरे दिन जब ये दोनों आए ना आए, इमाम तशरीफ रखते हैं, जो ही आए इमाम मस्कर आके फरमाते हैं, कल वाली बात करने आए हो, कल वाली बात करने आए हो। उन गल ख्याल करा, गल बिचू निकल आंदी है। जब कहा ना कल वाली बात करने आए हो, इन दोनों ने कहा, हाँ यबना रसूलिल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह के बेटे, अल्लाह के रसूल के बेटे, हाँ इसलिए आए हैं। मेरे इमाम ने फरमाया, अल्लाह को तो मानते नहीं हो, मुझे यबना रसूलिल्लाह कहते हाय हाय हाय। ये इमाम होता है मेरा भाई। उसने कहा सही, बेशक हम नहीं मानते, सारे आपको कहते, हमने भी कह दिया, ये रिवाजन हमने कहा, मानते नहीं है। अब मेरे इमाम ने हम मेरी गल सुनाए सही, चूंकि बात आ रही है तौहीद की, जब तौहीद को मनवाना होता है फिर इल्म तौहीद शुरू हो जाता है। ये है इल्म तौहीद रखने वाले। दोनों से कहा कि ये दहरिया नहीं मानते अल्लाह को। सरकार ने फरमाया, अगर तुम दोनों ये जो सामने बैठे अब्दुल करीम और इब्न अबिल औजाज को कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मुकफ़ा, दोनों से कहा कि तुम मसनू हो, मसनू, मसनू माने मौजान से सही मसलू हैदरी, तुम बने हुए हो या नहीं, अच्छा थावला रखो लिया हो रहा हूँ समझ जा, चल बन्या दो बन्या दो ना सी बन्या दो सी बाले को कोई डर नहीं कुछ ना को नहीं ना आखे ना करो कोई बच्चे हो छोटे बच्चे ना बच्चे जो है ना तुसी छोटे और बड़े थी हो ना तुसी भी हुए हाँ। अब जनाब सरकार ने फरमाया तुम मसलू हो, बने हो, मसलू माने बने हुए, कोई बनाने वाला है ना मसरू, साने मसरू कभी सुना हो आपने? और बिस्मिल्लाह नारे हैदरी, अब उन्होंने जब मेरे इमाम ने फरमाया ना तो मसनू हो, आए आए इमाम सामने हो, आंख ही बताती है, खुदा जाने कौन सामने बैठा है। इमाम ने फरमाया तुम मसनू हो, दोनों एक दूसरे को देखकर दो दफा, इसने उसको देखा उसने उसको देखा, खुदा जाने आंखों में क्या बात कही। दोनों ने कहा नहीं हम मसनू नहीं हैं, अगर कहते हम बने हुए हैं तो फिर अल्लाह तो साबित हो गया ना, हाय हाय मसनू है कोई शाने है ना, हाय दरी वाह वाह। उन्होंने कहा हम मसनू नहीं हैं, हमें किसी ने नहीं बनाया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, देखें नफी हो गई, किसी ने नहीं बनाया। अब मेरे इमाम ने फरमाया अगर तुम दोनों मसनू होते तो कैसे होते, मैं कुर्बान न जाऊं इसे इमाम के, अगर तुम मसनू होते तो कैसे होते, उठे बाने थे आने सही आ गए तुम हम कसीदे नहीं, अगर फिक्र भाजे कराए पर मेरी मेरा कसीदा ही सुन लो, सुन लो सुन लेते पाँच छः आदमी होने मैं बूढ़ा आदमी कल्ला है तो अच्छी लगेगी तो नहीं होने की क्या, अच्छा शुक्र है शुक्र शुक्र है शुक्र। अगर तुम मसनू होते तो कैसे होते, ओ बेखबर दुनिया आली को छोड़ के तौहीद ढूंढने वालों, नहजुल बलागा पढ़ो नहजुल बलागा हैदरी। उसने कहा कि अगर तुम मसनू होते, मेरे इमाम ने फरमाया क्या होते, उनका लंबे चौड़े, गल समझ आई, कोई लंबे चौड़े हो जाए वड्डा लंबाई उदा ज़हन तसव्वुर कर लो, मोटे ताज़े कमजोर की गल नहीं,
हरकत करने वाले, चलने फिरने वाले। सरकार ने फरमाया कि इसके अलावा कोई तारीफ है मसनू की तो बता दो। उन्होंने कहा नहीं है ही यही मोटे ताजे चलने फिरने वाले, गौर व फिक्र करने वाले, बोलने वाले। इमाम ने मुस्करा के फरमाया जो मसनू की तारीफ तुमने की है सारी तो तुम में है। फिर कहते हो कि हम मसनू नहीं है, नहीं समझ आई? अल्लाह हो नूर समावात वल अर्थ। अच्छा किन्ने गेंसी कितनी देर में पढ़ने ए ए जे मौजू ने घंटे दे घंटे दे नहीं पढ़ो तुसी। अच्छा मैं पढ़ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो तुसी ठीक है। अच्छा पढ़ लो खोल दे पढ़ो तुसी इन्हें आके थोड़ा पढ़ो तुसी आगे खोल के पढ़ो तुसी तो हम की पता सी कैसे के बातें करते हैं जब हम अपने में होते मान लो पूछ ली अल्लाह हो नूर समावात वल अर्ज। आज बहुत बड़ी बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कुरान के हवाले से। अगर टेप हाँ टेप हो रही है शुक्र है। अल्लाह हो नूर समावात वल अर्ज, इस नूर के पांच तर्जमे किए गए, पांच जो मेरे पांचवें इमाम ने जिस तर्जमे को सही कहा है वही मैं सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह का तर्जमा यह हुआ अल्लाह नूर समावात वल अर्ज का तर्जमा मेरे पांचवें इमाम ने यह किया, वो अल्लाह है कि जिसने जमीन और आसमानों को नूर दिया है। गौर नहीं फरमा रहे अल्लाह के पास कोई मरकज है नूर है? जैसे अल्लाह ने आसमान और जमीनों को नूर दिया है, नूर दिया, जिसको नूर दिया है, नूर दिया है, दिया ना अल्लाह ने, और जिसको नूर दिया, देखिए अल्लाह और है, जिसको नूर दिया वो नूर है। गल समझ आई? बिस्मिल्लाह यह गल यह चंगी गल जो समझ आ गई। अब जो अल्लाह मिसाल देगा जिसको नूर बनाया है उस नूर की मिसाल देगा, ये पूछा गया मेरे मौला से, मौला जिसकी मिसाल दी है वो नूर कौन है? मेरे आका ने फरमाया मैं मुस्तफा उसका नूर। हाय 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 सरकारे आलम है तेरी याद। सरकार ने फरमाया वो नूर मेरा वजूद है, मैं नूर हूँ। वो गल समझ आंदी पई है बाबा? खुदा के लिए खाकी हो के ना समझो इन्हें, नूरे अकल से पहचानो मुस्तफा कौन है। है है नूरे इलाही वो नूर मैं हूँ। इसलिए अल्लाह ने मासालो नूर ही, जिसको अल्लाह ने नूर दिया वो कौन है? जाते मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने कहा इस नूर की मिसाल, मेरे रसूल के नूर की मिसाल। उन ख्याल करा मैं जुमला कहने लगा, मिसाल दी है अल्लाह ने अपने हबीब के नूर की, हबीब के नूर की मिसाल देकर खुद बेमिसाल हो गया। हाय 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 अल्लाह है। मिसाल के लिए मुमस्सल लहू होता है, तशबीह के लिए मुशब्बा बही होता है। अल्लाह का दूसरा कोई अल्लाह नहीं, मुमस्सल लहू कोई है ही नहीं। मिसाल किसकी दी अल्लाह ने? 14 को मिसाल, रसूल को मिसाल देकर, क्योंकि रसूल वाहिदुल असल नूर है। वाहिदुल असल कहते हैं 14 हो के एक, एक हो के 14, 14 ही मोहम्मद है। मेरा पहला भी मोहम्मद है, दरमियाना भी, हम सारे मोहम्मद हैं। जब तक महमूद रहेगा एक मोहम्मद का रहना वाजिब हो। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। माशालो नूरे ही अल्लाह के नूर की मिसाल कौन है? वजूद मोहम्मद मुस्तफा। आदमी खड़ा हो गया थी, लोगों को जस्तजू थी उस वक्त, मौला जो आपके जिस्म पाक को अल्लाह ने नूर की मिसाल देकर क्या कहा,
मसल नूर ही का मिश्कात। मेरे भाइयों मिश्कात कहते हैं जब आप अपने पुराने जमाने में बिजलियां जब नहीं थी घर बनाते थे ना, वहाँ एक ताक एक आला या जाला जिसमें आप क्या रखते थे चिराग कमरे में। इतना यार इतनी दूर दी गाली नहीं पे कर सारे चुप हो घर खाली थे नहीं बनाते बनाते ना यार उन घरों में हैदरी घरों में क्या होता था आला आला हदियों इसे उर्दू में ताक कहते हैं ताक ताक जिसमें क्या रखते थे हम चराग रखते थे चराग धुआं भी लग जाना सीधा बिजली धन को ना चराग रखते थे धुएं वाला चराग। क्यों चराग रखते थे ए कमरे में चराग क्यों रखते थे अगर चराग ना हो तो फिर अंधेरा हो जाए अंधेरे में ठोकरें लगती हैं हाय समझ आइए मेरा बात। अल्लाह ने एक चराग रखते थे कहा आले में चराग रखते थे। उस आदमी ने कहा मौला जब आपको मिश्कात कहा गया तो वो मिश्कात आपका वजूद का कौन सा हिस्सा है जहाँ ये आला रखा जाता है मिश्कात ही फीहा मिसबा मिसबा कहते हैं चराग को अरबी में। ऐसा मिसबा वो चराग होता है जो फूंकों से भी ना बच सके हाय 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 वो समझदार जी में बोला वाह वाह वाह। मिसाल उस ताक जैसी है मिश्कात सीने जैसी है जिसमें चराग रखा जाए जो फूंकों से भी ना बुझ सके। आदमी खड़ा हो गया अच्छी बात हुई खड़े हो के कहता मौला वो आपके जिसको मिश्कात कहा गया है आपके वजूद में वो कौन सी जगह है। रसूल ने फरमाया साहिल सुन वो मेरा सीना है। तेरे ख्याल खुश होना चाहिए हाय 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 दरी फरमाया वो मेरा सीना है। वाह वाह वाह। फिर उसने कहा मौला मिसबा क्या है जो चराग जिसे कहा गया। फरमाया मिसबा इल्मे नबूवत है। अल्लाह ने मेरे सीने में खुद इल्मे नबूवत रखा। जब इल्मे नबूवत से सीना मुस्तफा अल्लाह ने भर दिया तो मैं बेखबर दुनिया को कहना चाहता हूँ जिस सीने में अल्लाह खुद नूर रखे वहां जिब्रील ऑपरेशन नहीं कर सकता। ओ बेखबर दुनिया है हैदरी फीहा मिसबा। उस सीने में क्या है नूर वो नूर क्या है इल्मे नबूवत। इल्मे नबूवत किसके सीने में आया रसूल पाक के। हौला हौला हाथ में रखूं हौला हौला ताकि तुम समझ आ जाओ। इल्मे नबूवत रख के अब अल्लाह कहता है वही मिसबा जो सीने रसूल में है इल्मे नबूवत है अल मिसबा हो अलिफ लाम तख़सीस का है वही अल मिसबा फी ज़ुजाजा एक ऐसे शीशे में है जिसमें रेजिस का भी कोई दाग नहीं है। खुश नहीं हो जाए हाय 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 बेदाग सीना है दरी उसमें क्या है फीहा अल जुजाजा माने शीशा। ये शीशा नहीं जरा अच्छा लगा खड़ा ये मिट्टी का बना हुआ है ये तौहीद का बना हुआ है। जुजाजा है वजूदे अली गल समझ जाइए वही अलम नबूवत किस में आ गया बिला फासल अली में आ गया। जब बिला फासल अली वारिस इल्मे रसूल हो गया फिर जानशीन अली को मान लो देर ना करो जल्दी कौन इल्म किस में आ गया किस में आया जनाब अली में कौन सा किसका इल्म रसूल का सारा इल्म। जब जिब्रील में आया तो अल्लाह ने कहा रसूल तेरा सारा इल्म अली के पास जा पहुंच गया है अब सलूनी का दावा तूने नहीं करना अली से करो ताकि पता चले जिसका आका ऐसा हो उसका जानशीन कैसा है। अब ही
अभी इल्म नबुवत किस में आया? उनका सर समझ गए जनाब अली अलैहिस्सलाम। अल मिसबाहु फी जुजाजा, जुजाजा के माने शीशा। मौला अली भी चंगा है, लिख लो ना शीशा, शीशा ये यहाँ का बना हुआ शीशा नहीं, हो जमाने से पहले जिसे शीशा बना के। जब शीशे में नूर इल्म आ जाए तो फिर रोशनी का अहाता आलमीन तक चला जाता है, आलमीन रोशन हो जाते। इसीलिए अल्लाह ने कहा अज़ुजाजा तो कान्नहा कौकबुन दुर्रिजो, जब कुल आलमीन नूर अली से जगमगा उठे, कहा गया ये सारा आलमीन मुनव्वर हो गया इल्म अली से, नूर अली से। उनका समझे ना जो नहीं समझ आई सी, शुक्र है जो शेर तो हिलाओ पैसे नहीं लगते। अल्लाह अज़ुजाजा कहा इल्म कहा आया, रसूल का इल्म किसके पास आ गया? जनाब अली अलैहिस्सलाम के पास। इल्म का वारिस कौन हो गया? वही नूर के स्वयं मुंतकिल हो गया, अल्लाह ने खुद मुंतकिल कर दिया। हम गल ए इत्थू आके ना साले अपने भी मुफस्सरीन ने इत्थे समझे नहीं गल, विचली समझे नहीं उन्हें आगे चलो जी तफसीर तो लिख लो ना। उन्होंने मैं आखांगा लिख लो, कुरान का नाम नहीं है हकीकत लिखो, ये कुरान का नाम लिख दिया शाह जी, उन्होंने लिख दिया सही गुने द्रावण दियो सब तू तरह। अब जनाब ये हुआ के असी पढ़ में चंगे जिंगे सोए ने चंगे फीहा मिसबाह, अल मिसबाह फी जुजाजा, वही इल्म नबुवत मेरे आले पास देखो सी, मसले में हल करूँ आपके, मैंने लिख दिया तफसीर में सारा। वही शीशा, वही इल्म किस में आ गया? शीशा वजूद अली में, अली से आके पूरा आलमीन जगमगा उठा, अली आलमीन का मरकज नूर बन गया। हाय हाय हाय, अब वही इल्म किस में आ गया? जनाब अली ने, अली में आया। ठीक हो गया ना? अगे हूँ अगली गल सुन लो, अगली अगली ये हूँ सारे मेरे आले पास देख गिनो एक मतलब। कान्हा कौकबुन दुर्रिजन, जनाब अली का नूर चमक रहा है आलमीन। आगे लफ्स है, अगर साहिबान हाफिजी ने उजाम तशरीफ रखे तो वो बड़ा लुत्फ लेंगे, और जो बुजुर्ग इस कुरान को समझना चाहते हैं वो भी लुत्फ लेंगे। अब अल्लाह कहता है यू का दो, वाह 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 वाह, यू का दो ये फैले मजहूल है, यही नूर जो अली तक आया है, अली ही तो नूर है ना, यू का दो ये आगे रोशन किया जाता है। हम गल समझ आई, यह गल जनी के आई समझ सभी नू सारे अपने नू नहीं आई यार, आगे रोशन किया जाता है, ये जो नूर आगे रोशन किया जाता है इसी का नाम है वजूद हसन। समझ आ गया मेरा पुत्र? आगे नस्ल इमामत का इजरा शुरू हो रहा है, नस्ल इमामत ने चलना शुरू किया है। यू का दो ये आगे रोशन किया जाता है, क्या वो नूर? वो नूर का मरकज कौन है? जनाब अली, वो भी रोशन है। अब जनाब अली से आगे क्या होगा? यू का दो रोशन किया जाता है, और मेरे आल पास देख लो सही, चूंकि रोशन होने के लिए मादने इस्मत का होना जरूरी है, माँ का होना जरूरी है, बाप अली हो गया, अब होना है माँ का जिक्र। अरे अल्लाह ये यू का दो जो आगे रोशन किया जाता है उसके लिए माँ का होना जरूरी है, यू का दो कह के अल्लाह ने कहा किस से, किस मादन से ये हसन का नूर मुनव्वर होगा? मिन शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन, ये शजराए मुबारका जैतूना ही फातिमा पाक है। अब ये नूर कहाँ मुंतकिल हो? जनाब फातिमा पाक की क्या? फातिमा पाक क्या है? शजराए मुबारका, ऐसा शजरा जिसे अल्लाह ने मुबारक कहा। पूरे कुरान में मुबारक या अल्लाह है या 14 है, कोई दूसरा मुबारक नहीं। इस शजरे को क्या कहा? मुबारक है। शजरत मिन शजरत मुबारक, ये शजरा मुबारका की मरकज मादन कौन है? जनाब सैयदा पाक। अब मान लो इमाम बनेगा ही वही जिसका बाप अली हो, माँ फातिमा का।
हाय 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 समझ आई बाबा हाय मेरी माँ अल माँ क्या हो फातिमा पाक बाप कौन हो जनाब अली फिर चलेगा शजराए नस्ले इमामत इसीलिए पहले दिन और तर्जमे करने वालों पहले दिन अल्लाह ने आदम और हव्वा से कह दिया था ला तकरबा हाज़िही शजरा था इनके शजरे के करीब ना जाना तेरा शजरा और है हाय 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 तेरा आदमियों का शजरा है यहाँ इमामत का शजरा गल समझ आती भी है बच्चों इमामत माँ क्या बन गई माँ बाप बन गया शजरत मुबारक मुबारक सिफत है जैतूना बदलुल कुल मिनल कुल पता ही नहीं बदल क्या होंगे ये नहीं है बदल है उत्ते जरा करे छे बदल है इल्मे कलाम में सुने उन्हें खोलना नहीं सी दसना ही नहीं तुसी तवज्जो नहीं की थी नहीं जे दसना बदल कुल मिनल कुल जैतूना जब सैयदा जैतूना है हो गल की करनी जब सैयदा जैतूना है तो फिर हाकिम अली को जैतून होना कुरान में वाजिब है है ना कुफ का ताल्लुक मस्तूर की वजह से होता है मर्द की वजह से नहीं इसीलिए तो कुफ बनाया अली का फातिमा समझ जाएंगे लंबी बहस उधर नहीं जाते इसीलिए जब जैतून जैतूना बीवी है बदल कुल मिनल कुल तो अली क्या होना चाहिए जैतून ऐ अल्लाह बता जैतून कहाँ तूने इस्तेमाल किया फरमाता मैंने जैतून की कसम खाई है वतीन व जैतून मेरे ख्याल कुरान पे क्या करो वतीन व जैतून व तूर सीनीन व हादल बलद अल अमीन हाँ तर्जुमा करने वालों वतीन तीन माने उन्हें कहा अंजीर की कसम अंजीर की कसम नहीं वतीन ही रसूल पाक गल समझ जाइए तीन रसूल पाक जैतून जनाब अली वतीन व जैतून व तूर सीनीन जनाब हसनैन है खुद गल समझ आती भी है बल बाला दिल अमीन जहां इमामत अमानत में आई है मादने इमामत सैयदा ताहिरा गल समझ आती भी ये होन क्यों भी आ गई है वही मैं लिखे ना ना 1400 साल गढ़ालू सन सन मार सके कौन हुआ बीबी पाक मादने इमामत अली मरकज है इमाम अब वजूद हसन क्या होता है जू का दो मिन शजरत मुबारक जैतून जैतूना तिल्ला शर्कियत वला गर्बियत है भैया क्यों ना करें नो तर्जमा जनू आधा नहीं बिस्मिल्लाह जरूरी है करना कोई मुफस्सिर बैठे तो मैं ना दसे मैं खाका दो दांत बन के इन्होंने तर्जमा किया है ना वो शर्किया है शर्की है ना गर्बी है वो शर्किया है शर्किया से शजरा की सिफत वाके हो रही है बदलुल कुल वाके सिफत हो रही है किसकी शर्किया कौन है शजरा कौन है बीबी हूँ तो पढ़ाऊ ही सही तो सुनाऊ ही सही पहले पढ़ाऊ सही हाय 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 लो जी सही अल्लाह शाह जी डबल ड्यूटा लग गया जी शाह जी पहले पढ़ाऊ तो फिर सुनाऊ शर्कियत वला गर्बियत इन्होंने कहा ना वो शर्की है ना गर्बी है शर्की लफ्जी नहीं है शर्किया शर्किया क्यों वला गर्बिया किसकी सी बात है शजरा मुअन्नस है ना शजर वो होता है जिस शजर वो दरख्त होता है जैसे आगे कोई शर पैदा नहीं होती शजरा जो होता है उसी दरख्त से आगे पैदा होता है इसलिए सैयदा पाक शजर नहीं शजरा है रसूल ऐसी
उसी शजरा की पहली सिफत है, ला शर्कियत वला गर्बियत। यार मैं आगे गल करा तो आगो है यो है तो निकालनी है आपकी। मैं दूर रही मैं भी यही रहता हूँ खादिम नौकर। तो शर्किया लुगत में शर्क से है, शर्क शीन रे काफ दो नुकर शर्क। हम मेरे वाले पास जरा नहीं दिलचस्पी लेना चले जान छोड़े नहीं जे छोड़नी नहीं नहीं मैं छोड़नी नहीं तो जोर ला लो सुना के ही जाने कितना अहम है सबक की जो इमामों ने दिया है। ऐसा सबक कोई नहीं जो पर्दा वही छान बिल्कुल खुदा की कसम मैं आपसे कर दुनिया छान ले अगर कोई ऐसा पढ़ के दिखाए। ये सैन्यों से हमने सज्जे कर कर के सबक लिया है। ऐसे नहीं है कि चलो हम बैठे हुए ना ना, ना। बेशक बेशक गल सुन लो मेरा पुत्र, जब शर्किया के लिए शर्क और गर्ब के माने आए ने लुगत को ले आना। मैंने पूरा कुरान लुगत में लिखा है, पूरा कुरान मुकम्मल हो गया, 8 साल में मेरी लुगत मुकम्मल हो गई। अब देखिए शर्क कहते हैं ऐसा नूर जो निकल कर माहौल को रोशन करे। फिर ये नूर जहां से निकलता है उसे मशरिक कहते हैं, जहां जाता है उसे मगरब कहते हैं। पहले पारे में अल्लाह ने इसी लिखा फरमाया वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह के लिए मशरिक भी है और मगरिब भी है। मशरिक रसूल है, मगरिब अली है। नहीं लिखा मशरक कौन है रसूल, मगरब कौन है अली। अब बीबी ना शर्किया है ना गर्बिया है, क्या मानी हुए क्या है दसो ना, तुम हिम्मत करो ना। ना बीबी बिस्मिल्लाह से, ना बीबी शर्किया है ना गर्बिया है, क्या मानी बता दूं मैं बताऊं। बीबी ना रसूल है ना नबी है ना इमाम है। बीबी नबी भी नहीं, इमाम भी नहीं। चादर तत्हीर में बैठी है, इमाम भी बैठा है नबी भी बैठा है। तारो फातिमा से हो रहा है, खुश नहीं हुए यार। है दरी कैसे तारुफ हो रहा है या रब्बे व मनता था या मलाइकती व सुकान समावाती व इज्जती व जलाली। ओ मेरी इज्जत और जलाल की कसम मैंने सब कुछ बनाया है इन पांचों की मोहब्बत में जो चादर के नीचे है। ओ बेखबरो मलाइका ने कहा या रब्बे व मन तहतल किसा, मलाइका देख भी रहे हैं मगर नजर नहीं आते। खुदा जाने चादर तत्हीर ऐसी है वो नजर नहीं जा रहे, नजर मलाइका को ही नजर नहीं आ रहा। फरमाया हो महलो बैत नबुवा, ये नबुवत के अहले बैत व मादन रिसाला, रिसालत की कान है। हम गल अगली सुन गिनो सही, हम फातिमा तो ये हम का फातिमा बदलुल कुल मिनल कुल, जो हम है वही फातिमा है, जो फातिमा है वही हम है। फातिमा न होती तो हम होता ही ना। गल सुन जाइए बच्चे अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। हुन कसीदा चंगा लगे या ना? अच्छा नहीं लगा मैं की करा, जोर नाल पढ़ने न कुछ चंगे लगे। शुक्र चंगा लगे अल्लाह करे ये रहे सही मेरी बात पूरी फ्लोरिडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जा रही है। 178 मुल्कों में मेरी बात जाती है। आपको क्या खबर क्या बात हो रही है?
लाशर की या बीबी ना नबी है ना इमाम है। हाय हाय, जब नहीं है अब आगे अल्लाह क्या कहे। बैठी मेरा बच्चा, बैठी कुर्सी दे, बैठी कोई तो कुर्सी दे उठते भाई, ठीक हो गया सर। ला शर्कियत ला खरबियत, हम थोड़ी जी मैं निकी जी गल सुन लो, जी असल गल हूं आ गई। जका दो ले ले यार, हम चले जा बेटा, इतने ना खड़ी बस जा, जा अम्मी के पास जल्दी जा, अम्मी अम्मी बुला रही है। जका दो, अफसोस है अगर सारे मौलवी मिल के ना इन्हें मेहनत करें, 14 क्यों ना माने जाए। वो लाख रुपए लेने वाला है, हाय हाय हाय, ये तोड़े जिगरे में सही तो आने वाला है। अल्लाह ने उन्होंने तुरे ने अली ने से मेल तो ना क्या करनी। हाय हाय हाय, अच्छा अच्छा, ये मैं पता है यार ही को नहीं आया यार, ये फिर कौन ना ले। अच्छा अच्छा, लाशर की जागी है तबरों को दे, लाशर की हजों वाला खरबियत ना, ये बीबी शर्किया है ना गरबिया है। हुन गल सुन लो, बाकी ये आखिरी गल मुकम्मल। यकादो ज़ैतो हा योजियो, ये लुगत मेरी पूरी दुनिया पे बहस हो रही है, लुगत पर मेरी लुगत पे बड़े बड़े लोग भी जान छह हजरा, मेरी एक एक लफ्ज पे बहसें हो रही है। ये कौन है जो ऐसी लुगतों को इस तरह खोल के बयान कर रहा है। जब मेरी तफसीर आई दुनिया हैरत में रहेगी, खुदा की कसम मैं आपसे कह रहा हूँ। यकादो ज़ैतो हा युज़ियो, यकादो फेल मुजारे है, कादा यकादो, कादा कद्दू नहीं, कादा काफ अलिफ का दाल, कादा ये अफ़आल मुकारबा कहलाती है। मुकारबा माने करीब होना। कुछ आठ नौ लफ्ज है अफ़आले मुकारबा। मुकारबा वो होते हैं, ये कादा भी अफ़आले मुकारबा में आता है। और समझ जाइए चोरी, शुक्र है शाह जी को नजर आ गई है, ठीक है सर। अफ़आले मुकारबा, ये अफ़आले मुकारबा जब कादा लगता है ना कुरान में, ये कराबत के माने देता है मगर कराबत वाके नहीं होती। ये गलिया तो समझ नहीं आई। कादा यकादो, कराबत का माना करीब होने का माना है, लेकिन कराबत नस्ले इमामत में कराबत वाके नहीं होती। अजय भी नहीं समझे मेरे ख्याल उबाशा जी गल गई है, अजय उबाशा मेरे हाथ ही क्या करवाए मुंह बचना। यकादो ज़ैतो हा युज़ियो, करीब है। ज़ैत माने तेल, किसका तेल? ओ शजरा का। शजरा कौन है? सैयदा। सैयदा पाक का तेल क्या है? असल। असल क्या है? हकीकत। हकीकत क्या है? हसन। और नहीं फरमा, हाय 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 हाय, खुश हो पुत्र, खुश हो बना तू, हाय दरी। ये मेरी तफसीर है जो मैंने लिखी। यकादो ज़ैतुहा, ज़ैत माने तेल यानी हसन, करीब है हसन। युज़ियो, रोशन हो के इस वजूद में आ जाए, रोशन हो के जाहिर हो के आ जाए, ज़हूर फरमा दे। युज़ियो वलाओ लम तम सस हो नार, लाओ वकू इम्तनाए वकू के लिए आता है। इम्तना माने बैठे रहो, नहीं अभी बैठे रहो, क्यों नहीं पढ़ते से। इम्तनाए वकू के माने हैं, लाओ बता रहा है बच्चा वजूद में आया मगर कराबत वाके नहीं हुई। हाय हाय हाय, उन समझ दे अभी ना छोड़िए, ख्याल कराए। यानी यकादो ने बताया कराबत है,
मगर कराबत वाके नहीं होती, यानी कराबत से बेटा नहीं बनता, कराबत होती है। राज कहूं क्या मतलब हुआ, हसन की माँ भी है बाप भी है, निकाह ही कराबत है। है, है, है। माँ भी है बाप भी है, मगर हसन कराबत से नहीं आता। उन पहले सिपारे भी एक गल में कर दिया, वलाओ लम तम सस हो, लम तम सस फेले नहीं है, लम जब फेले नहीं के साथ आ जाए, ये भी लम तस कहता है कि कराबत वाके नहीं हुई। वलाओ लम लो लम ने भी कहा कराबत वाके नहीं हुई। फिर लम तम सस हो नार, नार माने आग, आग माने ख्वाहिश। इमाम ख्वाहिश से वजूद में नहीं आता है। कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। हैदरी, यानी इमाम ख्वाहिश से नहीं आता। अब मैं कराबत की बात आपको समझाने के लिए कहता हूँ, सरकारे अली भी बैठे हैं, सरकारे सैयदा भी बैठी हैं, निकाह का नाम ही कराबत है। गल समझे नहीं भी मेरा। अब अल्लाह ने कहा अली मैं हसन चाहता हूँ, इधर अल्लाह ने चाहा, इधर अली ने चाहा कि हसन है। अल्लाह और अली की चाहत को सैयदा ने कबूल किया, हसन वजूद में आ गया। ये कराबत से हैदरी, इमाम अली मौलवा सही, अली मौला अली मौलवा सही, इमाम कराबत से वाके नहीं होता। इमाम का वजूद हमारी तरह नुतफे से नहीं बनता। है, है, है। किससे बनता है? ए, मैं जुमला कह दूं, आयत पढ़ के पहला पारा, यकादुल बर को यख्तफ अफसा रहूं, यकादु आया या नहीं, ये पहला पारा या ना, पहले तीसरे रकू दे अंदर यकादुली क्या करे, उन्हीं देख गिनो सही, ई गुरु ज्यादा चंगी गल हो जड़े अंदर में देखो न। करीब है के इनकी आंखें बिजली उचक ले, उचक ले करीब है, जगनी करीब है के बिजली इनकी आंखें उचक ले। फलम्मा अजा लहुम्मा शौफी, जब रोशनी होते तो चल पड़ते हैं। क्या मतलब हुआ, अगर उचक गई होती तो चलते कैसे? उचकने के करीब है मगर कराबत वाके नहीं हुई। गुल्लमा अजा लहुम्मा शौफी, जब रोशनी होती है तो चल पड़ते, ठीक है, चल पड़ना इस बात की दलील है कि आंखें उचकी नहीं, उचकी नहीं, उचकने के करीब थी। वलाओ शाह लजहबा में समय हम वापसार रहे, वो चाहे तो फिर आंखें भी जा सकती हैं, कान भी जा सकते हैं। अब शाह ने हमें इशारा दिया, जहाँ कराबत नहीं वाके होती वहाँ मशीयत होती है, इसी मशीयत का नाम है शाह। अली फरमाते एजा शाह सेना, एजा सेना शाह, जब अल्लाह चाहता है हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं अल्लाह चाहता। खुश हो सही, इधर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, ओ बेखबरो, अल्लाह ने चाहा कि हसन आए। फिर दिन को क्या बता, क्या है, अली ने चाहा हसन आए, अल्लाह और अली देखे, अली और अल्लाह की चाहत एक। क्यों अल्लाह ने कहा वमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह, 14 तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता हूँ, ठीक हो गया। अब इन्होंने चाहा, बीबी ने उस चाहत को कबूल फरमाया, कबूल है, इसी कबूल का नाम इजाब है। हाय हाय हाय, तो हसन वजूद में आ गया, तो फिर हसन का यानी इमामत का वजूद, मिसाल अल्लाह ने किसकी दी वाला, मैं एक आखिरी गल सही हूँ, आखिरी मेरा बचवा, बिल्कुल दो चार मिनट यह गल मेरी आखिरी छोड़ दी। देखिए अल्लाह ने 5000 साल,
जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक नबियों को, मासूम नबियों को माँ बाप से बनाया। जब यही नहीं समझ आई ना आया करें अपना मौजा करें, सुनिया करो ये गल्ला यार। जो नबी भी आया 5000 साल तक नबुवत चली या नहीं, 1,24,000 नबी आए माँ बाप से। नबी बनते 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 जब आखिरी ईसा अलैहि सलाम आया, अल्लाह ने 14 की वजह से तखलीक का निजाम ही बदल दिया। खबर हो, पहले माँ बाप से आ रहे थे। बीबी मरियम माँ बनाई, बाप नहीं बनाया। क्या अल्लाह एक आदमी नहीं बना सकता? जान के नहीं बनाया ताकि पता चले 14 माँ बाप से बन के नहीं आते। तो फिर मानो जो बाप बाप से बन के आए उसे इल्म कलाम में खल्क कहते हैं, जो बगैर बाप के बने उसे अमर कहते हैं। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से बने हैं, खल्क से नहीं। फिर जब अम्र से ईसा बना है, फिर मानो बीबी मरियम बतूल के कमरे में कोई उलेल अम्र था। हाय हाय हाय, कौन है वो उलेल अम्र? ठीक है जनाब, ईसा अलैहिस्सलाम किससे? अम्र से बना। बस आखिरी गाल खत्म, अम्र से बना के ईसा को चौथे आसमान में बिठा के कहा इंतजार कर उलेल अम्र की, मुंतजर की। जोर लगा भाई, जोर नहीं दिया, जोर लगा अली मौला अली। चौथे आसमान मुक गए, मुक गए है नहीं रोले मुकान आले जे मुकान आले है। हाय अली आ रहा है मुकने ना रोले। कोई राज होते नहीं सुनाते। चौथे इस आसमान में बिठा के कहा इंतजार करो। जी साले सलाम बैठा या नहीं? ए होनी बैठे हो, देखो तो अनु नजर नहीं आना है। अल्लाह ने कहा ईसा खुश हो जाओ, अल्लाह ने कहा ईसा ना बूढ़ा होने दूंगा ना शादी होने दूंगा। बैठा है या नहीं? किसकी इंतजार में बैठा? आले इमरान के आखिरी जानशीन अली का आखिरी 11वां बेटा है ना, इंतजार में है या नहीं? मेरे 12वें इमाम की माँ भी है, बाप भी है, माँ बाप से बन के आया है। अब जनाब ईसा सिर्फ माँ है बाप नहीं, ईसा अम्र से बन के आया है। कहा तू इंतजार कर, मुंतजर वो जो अफजल है, तुम भी इंतजार करो। अल्लाह कहता है कह रसूल मैं भी मुंतजर हूँ। वे जुमला कह दे आखिरी, यही बात मुकम्मल हो जाए। आखिरी बात कह दूं, जो इंतजार करने वाला है वो अम्र से बना है, फिर मुंतजर नुतफे से नहीं बनते, ये भी अम्र और मशीयत से बनते। आज के बाद अकीदा बना लो, इमाम कराबत से वाके नहीं होता, अल्लाह की मशीयत और इरादे से होता। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।